चलो अब नया चैप्टर कौन सा देखेंगे, एनपीओ। एनपीओ 12 मार्क्स के लिए तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आता है। अब उसमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या आता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और उसके साथ क्या आता है, कुछ एडजस्टमेंट। पहले क्या देंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके साथ कुछ क्या आएंगे, एडजस्टमेंट। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमको पहचानना होता है कौन सा चीज़ इनकम में जाएगा, कौन सा चीज़ एक्सपेंडिचर में जाएगा, कौन सा चीज़ लाइबिलिटी में जाएगा और कौन सा चीज़ असेट में जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये सही से क्या करना है, बाइफर्केशन करना है। तो क्वेश्चन में जो रिसिप्ट एंड पेमेंट आता है उसमें जो रिसिप्ट साइड होता है उसमें जाने का दो जगह है, वहाँ जो भी चीज़ देंगे जाने का कितना जगह है। पहला या तो रिसिप्ट वाला सब चीज़ इनकम में जाएगा या तो लायबिलिटी में जाएगा, इनकम में जाएगा या तो इनकम में या तो, उसके बाद पेमेंट साइड जो भी चीज़ दिया है वो या तो एक्सपेंस में जाएगा या तो असेट में जाएगा, या तो एक्सपेंस में जाएगा या तो। सबको ये समझा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड जितना भी चीज़ दिया है उसका जाने का दो जगह है, या तो इनकम या तो लायबिलिटी, और पेमेंट साइड जितना भी चीज़ दिया है उसका जाने का दो जगह है, या तो एक्सपेंस या तो असेट। क्वेश्चन में पहला रिसिप्ट पेमेंट आएगा उसका किधर किधर क्या जाएगा वो मैंने समझा दिया। अब जो चीज़ हमको बार बार आने वाला है वो इनकम में जाएगा, और जो चीज़ एक बार आने वाला है वो लायबिलिटी में जाएगा, रिसिप्ट साइड। एक्सपेंडिचर का भी, जो चीज़ बार बार इनकर होने वाला है वो कहाँ पर जाएगा, एक्सपेंस में, और जो चीज़ एक बार इनकर होने वाला है वो कहाँ पर जाएगा, असेट में। असेट के नाम हमें आते ही है, तो वहाँ पर वो दिखते हैं तो हम पहचान लेंगे, मशीनरी आया, फर्नीचर आया, ये सब असेट है। फिर तो जो डेली एक्सपेंस है, जो रेगुलरिंग एक्सपेंस है, जो बार बार होने वाले हैं वो सब कहाँ पर जाएंगे, एक्सपेंडिचर में जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे। वैसे ही इनकम भी जो बार बार नॉन सर्विस नॉन ऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को जो भी आने वाला है, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जो भी इनकम बार बार आने वाला है, ये सब कहाँ पर जाएगा, इनकम में, ये सब कहाँ पर जाएगा। और जो एक बार उनको एक्सपेंस लगने वाले वो सब कहाँ पर जाएंगे, लायबिलिटी, कहाँ पर जाएंगे। तो रिसिप्ट साइड जाने का दो रास्ता, या तो इनकम या तो लायबिलिटी। पेमेंट साइड जाने का दो रास्ता, या तो एक्सपेंस या तो असेट, या तो एक्सपेंस या तो। पहले ये हमें सही से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट आएगा, तो रिसिप्ट साइड जाने का दो रास्ता कौन सा है, या तो इनकम या तो लायबिलिटी, और पेमेंट साइड जाने का दो रास्ता कौन सा है, या तो एक्सपेंस या तो असेट। ये हमें याद होना, यहाँ तक समझा।